हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सर दुर्गा जी का एपिसोड 18 आई है, देखते हैं। हमने वही कब्र खोदी और सबको दफना दिया भाई, इसलिए हमें देर हो गई, माजरत चाहते हैं। सरजान खातून, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसे तुमसे काम नहीं हो रहा है तो जाके आराम करो अपने खेमे में। मैं भी ठीक कर लूंगी इसे। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। गुंडों के गुस्से ने तुम्हें तोड़ के रख दिया है। संभाल लो तो वापस आ जाना। जल्दी
हिम्मत रखो भाई, लेकर आओ, जाओ जल्दी। हिम्मत रखो भाई, थोड़ी हिम्मत रखो। अच्छा, मेरी मदद करना चाहते हो तुम? थोड़ी हवा आने दो ताकि सांस ले सके। क्या हुआ से? भाई हुआ क्या तुम्हें? भाई वो हमजा, हमजा हमजा ने तीर मारा है पीछे। वो मुझे मारना चाहता था। कारगिल के साथ मिलकर उसने 11 सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया और चला गया। चला गया कहाँ गया वो बताओ मुझे। वो नौयान के साथ मिल गया भाई। उसने कबीले से गद्दारी की है। सब तुम्हारी वजह से हुआ ही गुद्दो। तू जाओ यहां से। कोचाबाश घोड़े तैयार करो, हम सत्तारों के दाखों में जाएंगे। जो हुकुम भाई। Thank you.
गया हूँ। बहुत गलत टाइम पे एंट्री हुई इसकी यार। पहले माहौल गर्म है भी। ठीक से खाना खाते हैं, नहीं जानते थे कि दोगलापन क्या होता है जब तक आप वापस नहीं आए थे। खुदा के लिए बस कर दें, सिर्फ छोड़ दें अपनी, सरदार की इताअत करें। आप जैसे जंजू को ये सब सेर नहीं देता। वो किस तरफ करे? फिर जिद कर रहे हैं, छोड़ दें अपनी जिद। जो पूछा है वो बता दें।
बाहर की तरफ। Thank you.
यार, आईमा का लंबी टाइम हाथ मत उठाना।
कैसे लड़ेगा इन सबसे? क्या पता? मैं हड्डियों पर नहीं पलता, जिस तरह तुम्हारा भाई गुंडों पर पलता है। ये सर कलम किए बगैर मेरी तलवार नयाम में नहीं जाएगी। हमजा क्यों कर रहा है यार? क्या तो इसका वो
कोचाबाज मार देगा उसको, ये देखो ना धोखेबाजी की। गाय कबीले
का हर शख्स नोयान का आवारी हो सकता है। हम इन गद्दारों के साथ नहीं रह सकते। तो दुर्गा के मौसेजीन ने गुस्से को खुद पर हावी कर लिया है। वो गेहूं के साथ धुन को भी पीस देना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि काय कबीला सुबकदोश उनके जाबाज अपने हथियारों से दस्तरदार हो जाए और अब्दुल रहमान को उसकी सजा दी जाए। अब्दुल रहमान क्यों? इस तरह तो काय कबीले को हम अपने मातहत कर रहे हैं। वो तो इस काबिल भी नहीं है अर्थक भाई। हमारी भेड़ों को चराने ही उनके लिए बहुत है। आप क्या कहते हैं सरदार? नहीं करेंगे मतलब पूरे काय कबीले को ही बिलीव कि ये है वो है कैसा। ओ शेट मेरे को जाना अभी। ओ हमजा को तो अभी मार देना चाहिए। अब बस हो गया, मेरे को भी गुस्सा आ गया। और देखो एडेल हाथ पे भी इससे पैर रख दिया। अरे तू मतलब क्या है यार, क्या ही बोलने का यार ऐसे लोगों को, क्या बोलने का, ये बच्चे बोलते ना। गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी। बट अगर इनको कुछ हो गया तो आगे वाट लगा देंगे लोग तो पूरी बहुत जबरदस्त। टेंशन हो रहा है कैसे क्या होगा, क्योंकि अर्थरुल भी अभी बट अभी ये है कि वो अब्दुल रहमान को कैसे निकालेगा, मेन मसला वो है। बड़ा है कि अब्दुल रहमान कैसे निकलेगा वहां से इनके चुंगुल से, ऑफकोर्स सॉरी कैसे प्लान करके निकालेंगे उसको, क्योंकि अभी अर्थरुल को पता चल गया हमजा का, हमजा को अर्थरुल का पता चल गया, ठीक है शायद वो अब्दुल रहमान ये सब चीजों को लेके कुछ कर देखना होगा। क्योंकि देखो अब्दुल रहमान का निकलना जरूरी है, तो ही बोलते ना अर्थरुल का प्लान काम करेगा तो वो देखना बहुत जरूरी है कि वो निकाल पाएगा उसको या नहीं। और वो प्लान काम करना बहुत जरूरी है अगर रहमान को हराना है तो। पर अब बहुत 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 बोलते ना ये डिफिकल्ट है तो यार ऐसे एक एक एपिसोड जो जा रहे ना ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ हो जाएगा। बट यार हर एक एपिसोड में वो मुश्किलात इतनी बढ़ती जा रही है ना। लाइक ये वाले एपिसोड में अभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर ट्रस्ट भी किया तो उनको उतनी बोलते ना वो भरपाई करनी चाहिए। वो सही मजा है बंदूक का मुंह कैसे बंद कर दिया। अच्छा हमारा ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।